एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? तो आज मैं आपको बताऊंगा, हमारे डेयरी फार्म पर मैंने कई वीडियो उस बछड़ी पर बनाए हैं जो हमारे यहाँ 1 साल तक हमने उस बछड़ी को दूध पिलाया था और 18 महीने में वो गाभिन हो चुकी थी। 1.5 साल की थी तब ये गाभिन हो गई थी और अब उसने बहुत ही बेहतरीन बछड़ी को यहाँ हमारे यहाँ जन्म दिया है। आज सुबह सुबह 4 बजे उस बछड़ी ने बहुत ही बेहतरीन बछड़ी को जन्म दिया है। तो मैं आपको जरूर बताऊंगा वो बछड़ी दिखने में कैसी है और बहुत ही अच्छी तरह से, कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। हमें ऐसा लग रहा था कि ये जो बछड़ी गाभिन हुई है वो 18 महीने के अंदर हो चुकी है, तो ब्याने के टाइम उसको थोड़ी दिक्कत होगी ऐसा हमें लग रहा था, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छी तरह से उसकी जेर गिर गई और बहुत ही शानदार बछड़ी को उसने जन्म दिया है। तो हमारे यहाँ 4 गायों ने बच्चे को जन्म दिया, तो चारों की चारों बच्चियाँ ही आई है। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर, मैंने आपको बताया था, भैंसों में भी यही हो रहा है और गायों में भी यही हो रहा है। 70 से 80% तक बच्चियाँ ही आती है। तो आपको मैं ज़रूर वो भी सभी बच्चियाँ भी दिखाऊंगा ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये जो धवल भाई है झूठ बोल रहे हैं। देखिए, गाय हमारी थी, उसने बहुत ही बेहतरीन बछड़ी को जन्म दिया है। तो आप देखिए, ये पीली बछड़ी, ये जो पीली गाय है, इसने इस बछड़ी को जन्म दिया है। दूसरी और ये तीसरी जो इस गाय की है, और आपको मैं और दिखाता हूँ, जो भी उसकी मदर का पूरा दूध पी रही है वो सबसे पहले आई थी। तो देखिए, ये देखिए बछड़ी, और उससे जो भी है वो सभी, दो बछड़े आए और दूसरी सब बछड़ी आई है हमारे डेयरी फार्म पर। ये देखिए आप, बड़ी गाय पीछे दूध पी रही है बछड़ी, ये के पीछे दिख रहे मेल काफ है और ये दूसरा, और सभी सभी और दूसरी सभी की सभी बछड़िया, ये की ये दूसरी ये तीसरी, और उस तरफ 3 बछड़िया है। तो अभी मेरे को इस गाय का दूध पिलाना है इस बछड़ी को अच्छी तरह से, क्योंकि सुबह इसने बहुत ही कम दूध पिया था। तो अब मैंने इसका फीड, ये देखिए आप, तैयार कर दिया है। तो इस गाय का दूध निकालना है और अच्छी तरह से जितना पी सके वो, जितना पी सके उतना इसको दूध पिलाना है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बछड़ी है ये पहले ब्यात की है, मगर मैंने आपको उस पर भी एक वीडियो बनाया था कि बचपन से ही हमने उसके आव अडर में हाथ लगाते थे पूरे शरीर पर, बदन पर इसको छू, तो इसलिए इसको उसकी आदत हो गई थी। तो एकदम शांत स्वभाव की थी, कुछ बोली नहीं, आसानी से उसको दूध पिलाने दिया। और ये दूसरे तीसरे ब्यात की हो ऐसी एकदम शांत खड़ी रही थी। तो अगर आपके यहाँ बछड़ी आप तैयार कर रहे हैं तो उसके अडर में आप ज़रूर उसके पूरे बदन में आप सुबह शाम जब भी आए तब उसको हाथ फेराए ताकि उसको आदत उसकी पड़ जाए। और ये जो हमारी बछड़ी है इसका नाम तो आपको मालूम है, मीरा है। तो इसका नाम क्या रखे हमें, हम अभी तक सोचा नहीं है। तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए इसका नाम हम क्या रखें।